देखिए, हजारीबाग के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद जयंत सिन्हा ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट यानी बीजेपी के केंद्रीय प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से यह रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें इलेक्ट्रल ड्यूटी से मुक्त किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वह ग्लोबल भारत और हजारीबाग के लिए और भी काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रल ड्यूटी से मुक्त होना चाहते हैं। अब जैसे ही उनका ये ट्वीट होता है, हजारीबाग में यह ट्वीट तेज़ी से वायरल होता है और लोग यह कयास लगाते हैं कि जयंत सिन्हा चुनाव से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं और हजारीबाग लोकसभा से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हजारीबाग के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। हम अभी हजारीबाग में बीजेपी कार्यालय यानी अटल भवन में मौजूद है। सामने यह अटल भवन का बिल्डिंग है, लेकिन आम तौर पर हर एक दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी और कार्यालय खुला होता था, लेकिन अभी की जो मैं आपको खबर दे दूं, कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लटका हुआ है, जिससे कि जो यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत सिन्हा का जो इलेक्ट्रल ड्यूटी से मुक्त करने का यह जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट है वह सही साबित हो रहा है, यानी कि वह अपने आप को इस चुनाव ड्यूटी से मुक्त करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले राय शुमारी भी बीजेपी के द्वारा की गई थी, जिसमें भी जयंत सिन्हा शामिल हुए थे। साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को 3 नाम लेने थे। इस पे भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शायद जयंत सिन्हा का नाम कम गया या अंदर क्या हुआ है, इसके कारण ये जयंत सिन्हा ने यह फैसला लिया है। वहीं अभी कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता कर जयंत सिन्हा ने अपने 50,000 करोड़ के निवेश को जो उन्होंने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में किया है वह बताया था। ऐसे में एकाएक ऐसा ट्वीट आना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। पूर्व में जसवंत सिन्हा के सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। आपने ट्वीट देखा जयंत सिन्हा का, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रल ड्यूटी से मुक्त होने की बात कर रहे हैं वो? देखिए, जयंत सिन्हा बहुत ही उत्तम व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति है और हजारीबाग में पॉपुलर है। अभी जो रायशुमारी हुआ उसमें जयंत बाबू सबसे टॉप थे, उनके सामने नज़ीक में भी कोई नहीं दिख रहा है प्रत्याशी। और ऐसी में माननीय सांसद का ट्वीट करना कि पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि मुझे चुनावी कार्यों से मुक्त कर दिया जाए ताकि मैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर काम कर सकूं, ये मैटर। लेकिन मैं पार्टी अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि इनका ट्वीट को अस्वीकार कर दें और चुनाव इनको लड़ाया जाए, चूँकि ये जनप्रिय, लोकप्रिय और सर्वप्रिय नेता है। नंदलाल मेहता, जिला मंत्री भाजपा हजारीबाग। आसू भी सीट के लिए दावा ठोक रही है, ऐसे में ये ट्वीट अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, अगर ऐसी बात है तो इस बात को नहीं माना जा सकता है, चूँकि यहाँ ये भाजपा का गढ़ है और पूरे भारत में भाजपा का अगर कोई सीट एक नंबर में सुरक्षित है वो हजारीबाग है। और ऐसी सीट तो हमको नहीं लगता कि पार्टी अध्यक्ष या बड़े नेता कोई निर्णय लेंगे और आसू को देंगे। अगर ऐसे में किन्हें देखते हैं आप हजारीबाग में बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए वैसा कोई नेता नज़र नहीं आ रहे हैं इनके सामने और फिलहाल हमको ये नहीं लगता है कि इनको पार्टी अध्यक्ष छोड़ेगा, पार्टी अध्यक्ष इनको चुनाव लड़ावेंगे ऐसे। देखिए, इस मामले में एक और जानकारी दे दूं, हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए आसू भी काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रही है। आसू के बड़े नेताओं ने यह बात कही है कि वह हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और एनडीए के सीट शेयरिंग में कुछ सीटें आसू को भी देनी है। तो ऐसे में आसू का इंटरेस्ट हजारीबाग सीट पर दिखाना और ऐसे में जयंत सिन्हा का यह ट्वीट आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जेपी नड्डा इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल हजारीबाग के बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा है और यहाँ यह सन्नाटा अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।